हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू लर्निंग। मैं देवन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा, वेलकम यू ऑल टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स एंटायर में। अगर आप देखोगे एज अ होल, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट यूनिट, करेक्ट? और बेटा, उसके हम चार वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप यू हैव सीन दिट। अगर आपने नहीं देखा है तो हमेशा की तरह मैं बोलूंगा कि बेटा एक बार उसको देख लो तो शायद आप और अच्छे से लिंक कर पाओगे, राइट? बिकॉज उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया है, रिफ्रैक्शन खत्म कर दिया है, करेक्ट? उसमें लेटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, जो एक दो टिपिकल कॉन्सेप्ट से वो कवर कर लिया, करेक्ट? और आज बेटा मैं जो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट, और आने वाले जितने लेक्चर्स है बेटा, इसके बाद अभी चार पार्ट्स, पांच पार्ट्स और आने वाले हैं, और मैं बता रहा हूं बेटा, दे आर फार मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू जो अब तक के वीडियोस अपलोड हुए। रीजन बीइंग कि अभी हम TIR से शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद बेटा हम लोग लेंसेज वगैरह देखेंगे, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सर्फेसेस देखेंगे, करेक्ट? उसके अंदर लेंस के मॉडिफिकेशन देखेंगे, जिसमें लेंस की कटिंग होती है, सिल्वरिंग होती है, कवरिंग होती है, करेक्ट? जिसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं ज्यादातर। देन प्रिज्म कंप्लीटली हम सारा का सारा देखेंगे, राइट? तो बेटा आई होप कि आप अपनी नोट्स कॉपी प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द लेक्चर वन, करेक्ट? एंड वो आपको शायद हेल्प भी कर रहा होगा। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम बेटा, मैं लेक्चर के साथ स्टार्ट करूंगा। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी बेटा, सब लोग प्लीज अच्छे से अपनी नोट्स कॉपी निकालना और बढ़िया से नोट्स बनाना, तरीके से एकदम, करेक्ट? ऑलरेडी अगर नोट्स है तो पेन ले करके जो जो काम की चीजें अंडरलाइन कर लेना, कुछ नया दिखे तो उसको लिख लेना, करेक्ट? जहां पर भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा, आपको वहां पर वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर देखो कि आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में क्या फर्क है, कहां पे ग्लिच है। अगर सही है अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर गलत है तो फिर मिस्टेक को हाईलाइट कर लो, करेक्ट? आगे नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? अब स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर के साथ, फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और बेटा एकदम कहते हैं ना एग्रेशन के साथ, राइट? बट ब्रेन को काम रखते हुए, ठीक है? बिल्कुल आराम आराम से। अब लोग कभी आराम बोल रहे हो, कभी फास्ट बोलो, मेरा कहना है ब्रेन का टेम्परामेंट आराम वाला होना चाहिए, लेकिन एनर्जी बहुत एग्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाने जा रहा हूं बेटा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि भाई ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो देखो, नाम में दिख तो रहा है कि रिफ्लेक्शन जैसा कुछ है, बट फिर ये रिफ्लेक्शन से कितना डिफरेंट है वो हमें समझना पड़ेगा, करेक्ट? तो अच्छे से समझना बेटा। देखो, जहां तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है बेटा, वी डिफाइन इट एज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग। देखो, फिनोमिना किसका? फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक, ठीक है? फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन पास्ड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। मतलब कुल मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं बेटा, जब आप एक डेंस मीडियम से लाइट को रेयरर मीडियम तक लेकर के जा रहे हो, करेक्ट? कहां से कहां तक? डेंसर टू रेयरर। तो इस दौरान, राइट, इस दौरान बेटा कभी कभी लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है, समझे बात को? मतलब फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, स्पेशली व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। बेटा देखो, मिरर के अंदर तो क्या होता है, मिरर के अंदर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट टकरा के वापस वहीं पे आएगी, लेकिन यहां पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग यानी दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री। और यहां पे जब आप डेंसर से रेयरर पे जाते हो तो एक किसी पर्टिकुलर एंगल के बाद लाइट बाउंस बैक कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोग इसे डायग्राम से आराम से एक बार समझाओ, मैंने कहा बिल्कुल, देखो आराम से देखना, ठीक है? आराम से समझना, ये सब तामझाम हटाते हैं, आराम से सुनना। देखो, हमने क्या किया बेटा, हमने यहां से कहा, ठीक, कि भाई ये अपने पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है? यहां से बेटा देखो, जो लाइट यो नॉर्मली गिरेगी वो तो अनडेविएटेड चली जाएगी, बोले हाँ सर। फिर हमने कहा कि यहां से एक लाइट ने कुछ थीटा वन एंगल बनाया और ये यहां पे थीटा टू पे क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई, बोले यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे बेटा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, आप खुद सोचो, जब मैं रे को यहां पे इंसिडेंट करता हूं, करेक्ट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो बढ़ जाता है, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, बोले सर क्यों? अरे भाई, स्नेल्स लॉ याद करो, म्यू वन साइन आर इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो जैसे जैसे बेटा आप आई बढ़ाओगे, वैसे वैसे आर बढ़ेगा, तो फिर एक ऐसा आई मिलेगा जहां पर आपका जो आर है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल कितना हो जाए, 90। अब इससे थोड़ा भी और बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 से ज्यादा का मतलब ये लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम मीडियम में। और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट? यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो
होगा एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, थीटा सी भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में सिर्फ क्या लिखा होता है, सी लिखा होता है, यानी कि सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, थीटा सी का मतलब भी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब बेटा वो एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा कर दिया तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और इस फिनोमेना को क्या कह देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देंगे बेटा। क्या कह देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोले सर ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, अब ये बताओ इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैंने कहा ये बढ़िया बात बोली आपने, ये बहुत बढ़िया बात बोली भाई, हमें तो वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो देखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आराम से सुनना मेरे साथ। सबसे पहला जो सवाल बनता है ना, जो ज्यादातर बच्चे मिस आउट कर देते हैं, वो देखते हैं पहले। पहला सवाल बनता है कि सर रिफ्लेक्शन और TIR में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, इस पे थ्योरेटिकल बैक पे ग्राफ आया था। देखो आराम सुनना कि भाई TIR और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। TIR और रिफ्लेक्शन, हमने कहा भाई रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। बोले क्यों, मैं समझाता हूं क्यों बेटा। जब कभी भी लाइट जाती है, आपने अगर ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखा हो, जब ये लाइट गई तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, देखो बिल्कुल लाइट कलर से मैंने दिखाया है कि यहां पे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक भी हुआ है। यानी हमेशा जब भी आप रिफ्लेक्शन कराओ या रिफ्रैक्शन कराओ, 100% कुछ भी नहीं होता, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। बोले मतलब, मैंने कहा अगर मिरर है तो हो सकता है 99% रिफ्लेक्ट कर जाए लेकिन 1% रिफ्रैक्ट करेगा। बोले अच्छा, मैंने कहा अगर बहुत अच्छा रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, हो सकता है 99% रिफ्रैक्ट कर जाए, 1% रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जब भी लाइट गिरेगी तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। बोले क्या होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप सोचो ये जो TIR हो रहा है इसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा था, जो रिफ्रैक्ट हो रहा था बाहर जा रहा था वो भी अंदर आ गया। इसका मतलब ये कि ये जो TIR है ये कितना प्रतिशत हो गया, कितना परसेंट हो गया। बोले सर 100% हो गया। मैंने कहा ये पहला बेसिक डिफरेंस, रिफ्लेक्शन इज नॉट 100%, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इज 100%। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ किसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रिफ्लेक्शन में या TIR में। आपका आंसर तपाक से क्या निकल के आना चाहिए, सर TIR में। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा अच्छे से। आप प्लीज इसको नोट करके पॉइंट बना के लिख लेना, ये पहला पॉइंट है जिसमें TIR पे क्वेश्चन आता है। कई एप्लीकेशंस है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। बोले ठीक है सर नहीं लेंगे। बढ़िया, अब देखो तो यहां तक की कहानी समझ आ गई, ठीक। अब दूसरा सवाल, बोले सर दूसरा सवाल कैसे आएगा ये बताओ आप तो। मैंने कहा दूसरा सवाल समझाने के लिए मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। आई होप ये आप कॉपी कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा देख सकते हो, कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो बड़ा, जो दूसरा क्वेश्चन अपने पास निकल के आएगा ना, वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा स्नेल्स लॉ की हेल्प से क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो देखो म्यू जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको N1 लिखा है ना, N1 लिख देता हूँ। चलो मेरी आदत वैसे म्यू लिखने की है, बट फिर भी कोई बात नहीं। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इंटू साइन थीटा सी, क्योंकि हमें तो क्रिटिकल एंगल की बात करनी थी, इंटू बोले N2, कोई दिक्कत, एंड मल्टीप्लाइड बाय बेटा ये कितना आ जाएगा, साइन 90, क्योंकि थीटा सी पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, बोले सर 90 है 90। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताओ बेटा साइन 90 का वैल्यू क्या 1 होता है, आप क्या बताओगे, मैंने लिख भी दिया 1 ही होता है, पता है मेरे को, ठीक। अब देखो यहां से इसका मतलब निकल करके आया N2 बाय N1 आया साइन थीटा सी, बोले बिल्कुल आया सर। यहां से इसका मतलब थीटा सी आया साइन इनवर्स N2 बाय N1, बोले बिल्कुल आया। पर मैंने कहा मैं इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, मेरे हिसाब से जो याद रखना चाहिए, मैं यहां लिखता हूं, मेरे हिसाब से जो याद रखना चाहिए वो ये कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। समझ गए बात को, हमेशा ऊपर क्या लिखना है, म्यू रेयरर, नीचे क्या लिखना है, डेंसर। बोले ठीक है सर ये बात तो अब मुझे समझ आ गई। मैंने कहा आनी भी चाहिए, आप खुद सोचो ना, अगर ऊपर आपने म्यू डेंसर लिख दिया तो वो तो म्यू ज्यादा, अगर म्यू ज्यादा तो आप बताओ साइन इनवर्स के अंदर क्या एक से बड़ी वाली नहीं आ जाएगी,
भाई म्यू डेंसर अगर ज्यादा म्यू रेयर से तो एक से बड़ा हो गया, क्या कभी साइन थीटा एक से बड़ा हो सकता है? आप बोलोगे सर नहीं हो सकता, मैंने कहा इसीलिए कह रहा हूँ भाई, इसीलिए कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स म्यू रेयर अपन म्यू डेंसर याद रखना। 90% केस में म्यू रेयर अपना एयर होता है वैक्यूम, और उसका वीडियो अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। लेकिन बेटा केस आ सकता है ना कि ग्लास से पानी में चला गया, तब क्या कर लोगे? तो दिमाग में फिट रखना है। बोले सर दोनों पॉइंट एकदम क्लियर है, आप आगे बढ़ो। मैंने कहा चलो बढ़िया बेटा, आराम से कॉपी कर लेना ये लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन बता दो, देखो और न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। पहला तो सीधा सीधा ही आ गया, करेक्ट, उठा करके सीधे सवाल पूछ लेगा, भाई बताओ किसकी इंटेंसिटी ज्यादा इमेज की? आप बोलोगे सर TIR की। बोले क्यों? 100% होता है, 100% रिफ्लेक्शन। बोले ठीक है सर। दूसरा सीधा ही क्वेश्चन बोल देगा कि भाई क्रिटिकल एंगल निकाल करके दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का ये है, दो मीडियम का दूसरा है, मतलब बिल्कुल ही बेकार सवाल, करेक्ट, हलवा जी से कहते हैं, करेक्ट, वो भी आप निकाल दोगे। अब देखो जो थोड़ा सा अच्छा सवाल आता है उसे देखते हैं आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल बिना भावनाओं में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल होकर। बोले ठीक है सर, बात समझ आ गई आपकी। अ पॉइंट सोर्स, ओहो, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द डेप्थ ऑफ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लेक। भाई ये लेक जैसा कुछ है, मान लेते हैं अपन अपने के जा रहे हैं। From the surface of a lake, find radius of the bright spot formed on the surface due to emergence of light. मैं सवाल समझाता हूँ आपको साधारण भाषा में। यहाँ पे आपके पास एक source of light है, मैंने sun जैसा बना दिया, bulb हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक source of light है, मतलब ये light produce कर रहा है। बोले अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, ये इसकी normal जा रही है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से जब light जाएगी, करेक्ट, तो कुछ ना कुछ तो लाइट बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? बोले बिल्कुल जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। मैंने कहा कौन सी लाइट बाहर जाएगी, एक बार देख लेते जरा। अरे कहाँ गया ये रहा, ठीक है इसे हटाते हैं, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं, लेट से यहाँ से निकालते हैं लाइट को। भाई ये लाइट यहाँ से गई, ठीक, और टकराने के बाद ऐसा गई, ऐसा कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? बोले बिल्कुल जाएगी। तो जो लाइट बाहर जाएगी बेटा, एक ब्राइट स्पॉट जैसा कुछ बनाती जाएगी ना? बोले हाँ बनाती जाएगी। हमें चाहिए जो भी पूरा ब्राइट स्पॉट बनेगा उसका रेडियस कितना है, यानी जब सोर्स से लाइट बाहर जाएगी तो जो भी एक कोन, जो डिस्क बनेगा, पूरा लाइट का कोन बनेगा, और उसका जो ऊपर का डिस्क सरफेस बनेगा ब्राइट स्पॉट, जहां से लाइट निकलेगी वो ब्राइट दिखाई देगा, बाकी सब तो जैसे पानी था वैसा वैसा दिखाई देगा, उस स्पॉट का रेडियस बताना था। मैंने कहा भाई इसमें आप एक काम क्यों नहीं कर देते, आप ऐसे सोच लो ना कि भाई जितनी लाइट बाहर जा सकती है मैं उसको कंसीडर कर लूं। तो भाई जितनी लाइट अगर बाहर जा सकती है, ध्यान से देखो, तो ऐसा कुछ आएगा बेटा? बोले हाँ सर ऐसा तो आएगा, बात तो समझ आ रही है हमें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बेटा, कहने का मतलब ये हुआ, अगर ध्यान से देखोगे कि भाई यहाँ पर, यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से कि भाई ये सोर्स था, लाइट गई और जस्ट ग्रेस करते हुए चली गई, क्योंकि इसके बाद लाइट बाहर नहीं जाएगी, इसके बाद तो लाइट वापस अंदर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? अरे अभी तो चिल्लाए थे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से। बाकी इसके बाद यानी कि जब ये एंगल, ध्यान से सुनना बेटा, जब ये एंगल किससे ज़्यादा हो, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, हम इसको क्या लिख लेते हैं, थीटा को सी लिख देते हैं, थीटा सी या सी लिख देते खाली, एक ही बात है तो ठीक है बेटा। तो जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, इसके बाद तो ऐसे ही TIR होना है, लाइट जाएगी नहीं। सेम वे बेटा इस तरफ भी अगर देखेंगे तो ये जब क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, उसके बाद देखो ये लाइट जो यहां से गई ये ऐसे चली जाएगी, ये लाइट जो यहां से गई ये ऐसे चली जाएगी। बोले सर बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। इसी के साथ साथ बेटा अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पे अपने को एक ब्राइट स्पॉट भी तो मिल रहा है ना। अरे ये कैसे बन गया, मैं बना देता हूं अपने हाथों से, अपने खुद के हाथों से ये बन गया ब्राइट स्पॉट बेटा। ये जो डिस्क जैसा एरिया दिख रहा है ना, ये अपना क्या है, ब्राइट स्पॉट। अपने को इसका रेडियस बताना था। अब देखो रेडियस बताना कितना आसान है, बहुत आराम से सुना, सिर्फ दो स्टेप में होगा ये क्वेश्चन, और ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। हमने कहा रेडियस बताने के लिए सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि भाई ये अपने पास क्या है, आर है। बोले बिल्कुल है। इसे हमने कितना डेप दे रखा है, डी दे रखा है, बिल्कुल सही है। ये एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी कितना है, बोले बिल्कुल सर क्रिटिकल एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक एकदम। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, अब आराम से सुनना, क्या मैं टेन सी, क्या मैं टेन सी को सीधे सीधे लिख सकता हूँ? टेन सी को कितना लिख सकता हूँ बेटा, आर बाय डी। बोले बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तो टेन सी को मैंने कितना लिख दिया, आर बाय डी लिख दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो आर चाहिए था ना, तो आर का वैल्यू होता बेटा डी इंटू टेन सी, करेक्ट। डी मुझे दे रखा था, डी मुझे दे रखा था, तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए था, मुझे टेन सी का वैल्यू चाहिए था। अब देखो टेन सी निकालना कितना आसान है, अभी अभी आपने बोला साइन सी का मतलब म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, म्यू रेयरर एक तरफ हमने क्या मान ली, एयर मान ली, और एक तरफ हमने क्या मान लिया, म्यू मान लिया वाटर वाला, तो यानी कि यह आया 1/μ। बोले ठीक है सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल।
अब आराम से देखो इस ट्राइंगल में क्या साइन थीटा का मतलब प्रपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज होता है, लंब बटा कर्ण। बोले हाँ सर। तो प्रपेंडिकुलर एक और हाइपोटन्यूज कितना, म्यू। इस हिसाब से तो बेटा जो बेस आ जाना चाहिए क्या वो रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस वन आएगा। बोले बिल्कुल आएगा सर, ये तो आपने बहुत सिंपल चीज लिखी है, ये तो आप खाली हाइपोटन्यूज माइनस प्रपेंडिकुलर स्क्वायर ही तो लिख रहे हो। बिल्कुल, मैं भी तो ये बोल रहा हूं। तो यानी कि रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस वन आ गया। बोले सर आ गया। अब इस ट्राइंगल में टेन सी क्या नहीं लिख सकता। बोले सर लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। मैंने कहा लिखो। देखो यहां पे जब लिखोगे तो ये टेन सी निकल करके आएगा बेटा वन बाय रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस वन, करेक्ट। अब बेटा यहां से देखो मुझे क्या निकल के आ गया, मुझे आर निकल के आ गया। आप बोलोगे सर आपने तो रेडियस ऑफ द स्पॉट पूछा था। मैंने कहा वही तो निकाला है, यही तो आंसर है। कभी कभी ये भी बोलता है कि एरिया ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट बताओ, कि भाई जो पार्ट इल्यूमिनेट होगा जहां से लाइट बाहर आएगी उसका एरिया कितना है। मैंने कहा धत तरीके इसमें क्या पूछना है भाई, रेडियस बता दिया है, आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, निकाल लो खुद से, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। यानी सीधे सीधे उठा के अगर एरिया पूछ ले तो हम बोल देंगे कि अरे भाई लो लो पाई आर स्क्वायर, ये आंसर है तुम्हारा, खुश हो जाओ। बात समझ आई मेरी? तो आई होप मेरी बात कुछ कुछ आपके दिमाग में जा रही होगी, राइट। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, आराम से एक बार नोट्स देख लो। टी आई आर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कौन सा स्नेल सॉस में लगता है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आराम से एक बार खुद से लिख करके प्रैक्टिस कर लो, करेक्ट। इस तरह के कई सवाल आपको मिलेंगे बेटा, है ना। अभी जब क्लियर हो जाएगी, हाँ सर अब एकदम क्लियर हो गया, अब हम दोबारा दौड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करना बेटा, राइट। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। बोले ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई। तो बेटा अब देखते हैं अगली एप्लीकेशन, राइट, ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। देखो इसका काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन सा पार्ट है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रिकी भी है समझने में, पर उसका एग्जाम से रिलेवेंस ज्यादा नहीं है, है ना, न्यूमेरिकल से। तो इसलिए मैं उसको एज इफ नाउ के लिए साइड में रख दे रहा हूं और मैं आपको काम की कंडीशन की बात कर रहा हूं और क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूं। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बात करने जा रहा हूं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस की। मैं किसकी बात करने जा रहा हूं बेटा, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। अब बोले सर नो इमरजेंस का क्या मतलब है, ठीक है, या इमरजेंस का क्या मतलब है। बेटा देखो वैसे तो नाम से ही समझ आता है, नो इमरजेंस मतलब लाइट इमर्ज आउट ना करे। अरे लाइट इमर्ज आउट ना करे तो क्या करे, रिफ्लेक्ट बैक कर जाए सेम मीडियम में। अच्छा सर इसका मतलब टी आई आर कर जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही। मतलब आप देखो ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और इस फेस पे बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इस फेस में से कुछ पार्ट इस तरफ रिफ्लेक्ट कर गया। मतलब ये प्रिज्म डेंसर है, ये जो मीडियम है वो रेयरर है, डेंसर से रेयरर जा रही थी और जाते जाते रिफ्लेक्ट बैक कर गई सेम मीडियम में। बोले अरे सर ये तो टी आई आर हो गया। मैंने कहा दो बार बोल चुका हूं, हाँ टी आई आर की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जब भी लाइट टी आई आर कर जाएगी मतलब वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, मतलब वो इमर्ज आउट नहीं करेगी, मतलब ये क्या हो गया, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। बात समझ आती है बेटा। और इसकी जो कंडीशन आती है ना बेटा, बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि भाई ए शुड बी ग्रेटर देन 2c। हमने क्या कहा, जो ए है वो क्या होना चाहिए बेटा, 2c से ज्यादा होना चाहिए। आप बोलोगे सर सी क्या, अरे सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, मतलब वो एंगल जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, 90 डिग्री हो। बोले सर फिर ए का क्या मतलब है। मैंने कहा ए तो और ही आसान है, ए को अपन बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट, या फिर सीधे सीधे आप बोल सकते हो प्रिज्म एंगल। बेटा देखो कुछ कुछ बुक्स में थोड़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, प्रिज्म एंगल को आप चाहो तो बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। एक तो रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, एक प्रिज्म एंगल बोलते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कभी भी बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म 2c से ज्यादा होगा, जहां पे c क्रिटिकल एंगल है, c क्रिटिकल एंगल का मतलब सीधे सीधे आप लिख सकते हो बेटा साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, ये अपन ने लास्ट स्लाइड में भी देखा है। बोले हाँ सर, तो ऐसा कुछ कंडीशन है तो फिर वो क्या करेगा, नो इमरजेंस शो करेगा। फिर आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने क्वेश्चन की बात ही नहीं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। मैंने कहा यस अब करने जाता हूं। क्वेश्चन बेटा ये आया हुआ था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट जेईई मेन में भी आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है, राइट, कि एक कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट गिर रही है प्रिज्म पे और आपसे पूछा है कि कौन सा कलर दूसरे वाले सरफेस से बाहर निकलेगा और कौन सा कलर नहीं निकलेगा।
करेक्ट। तो हम लोगों को बस ये चेक करना था, म्यू गिवन था, म्यू का वैल्यू से म्यू एरर मतलब एक, म्यू डेंसर दे रखा था, यहां से आपको क्रिटिकल एंगल आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था, इक्विलेटरल प्रिज्म। तो आपको बस ये देखना था कि किसके अंदर ए टू सी से ज्यादा है, जिसमें भी बेटा ए टू सी से ज्यादा था वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर नो इमरजेंस मतलब वो लाइट नहीं निकलेगी, यानी जिसका भी कम पड़ जाएगा बेटा वो क्या कर जाएगी, इमर्ज आउट कर जाएगी। बोले ठीक है सर, अब हमें पता लग गया कि कंडीशन क्या होती है, हमें पता लग गया क्वेश्चन कैसे आना है, और बेटा जनरली इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर नोट्स कॉपी में लिख लेना, ए ग्रेटर देन टू सी का मतलब नो इमरजेंस, बस इसको अच्छे ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा, इमरजेंस हो जाएगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से कॉपी में नोट कर लो बेटा, दिमाग में बिठा लो, तभी अगली एप्लीकेशन के साथ बढ़ना, ठीक है। मैं भी एक आध मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, आराम आराम से कॉपी करके और बेटा फिर आगे बढ़ेंगे। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर दो बेटा, है ना, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप फिर दोबारा से वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। बोले ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अब देखो बेटा, मैं एक और एप्लीकेशन लेके आया हूं, और आई होप आई नो इनफैक्ट कि आपको ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, आजकल तो बेटा हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा ऑप्टिकल फाइबर की, इसका मेडिकल में भी उतना ही ज्यादा यूज है, और उतना ही ज्यादा यूज हो बेटा इसका इंजीनियरिंग के अंदर भी है। अगर आप देखो तो बेटा इंजीनियरिंग में तो एक प्रॉपर ब्रांच होती है फोटोनिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टू लाइट को यूज किया जाता है। उसी तरह से बेटा मेडिकल में अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे ना कि कभी कभी पाइप्स अंदर डाले जाते हैं, फिर अंदर के अंदर जो कुछ भी है वो सब आपको देखा जाता है, करेक्ट। तो बेटा उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, वेरी थिन रेडियस, राइट। सो इफेक्टिवली ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कहने का मतलब इट्स एन ऑप्टिकल केबल एक तरीके से, जिसके अंदर बेटा लाइट प्रोपोगेट करती है बाय अंडरगोइंग TIR अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बोले सर कैसी दिखती है, मैंने कहा ऐसी दिखती है कुछ कुछ। अगर आप ध्यान से देखोगे, इवन जो हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं आजकल बेटा, तो हम नहीं कर रहे कि ऑप्टिकल फाइबर्स डाली जा रही है, पहले तो कोएक्सियल केबल चलती थी, है ना, मोटी मोटी तारे, अब ऑप्टिकल फाइबर चलती है, ज्यादातर अंडरग्राउंड चलती है, और बेटा उनकी कनेक्टिविटी या जो स्पीड होती है, या जो कहते हैं ना स्पीड ऑफ नेट, वो बहुत हाई होती है, करेक्ट। तो देखो अब समझो जरा कि दिखती क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये अभी तुम प्लीज मुझे समझाने दो, वरना थोड़े से कंफ्यूज हो कि सर ये कौन जैसा क्या बना रखा है, आराम से सुनना। हमने कहा ये जो दिख रहा है ना रेड कलर का, ये तो है बेटा इसकी क्लैडिंग। क्लैडिंग का मतलब होता है बाहर की परत जिसपे वायर को लपेटा था, मतलब वायर के आउटसर में जो है। मैं चाहूं तो बना के भी दिखा देता हूं, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो पार्ट बना है, ये शेडेड पार्ट, इस शेडेड पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं, इस शेडेड पार्ट को हम कहते हैं क्लैडिंग। समझ गए आप? बोले हाँ सर समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एनसीईआरटी में इसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन दे रखा है, हमें नहीं जाना उस पर, काम की बात सुननी है। तो हमने कहा ये मिल गया क्लैडिंग, और बेटा क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, उसे हम बोल देते हैं म्यू टू। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक कलर का है ना, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पूरा क्लैडिंग का पार्ट है बेटा, ये ब्लैक वाला जितना भी क्लैडिंग का पार्ट है, ये जो अंदर दिख रहा है जिसके अंदर से लाइट चल रही है, इसे हम कहते हैं बेटा कोर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। यानी कि इफेक्टिवली ये जो एम्प्टी एरिया है बेटा, है ना, इसको यहां नहीं लिख के वहां लिखता हूं बेटा, ये जो एम्प्टी एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोले सर कोर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, यानी कि अपने को भी पता लग गया कोर क्या है, अपने को पता लग गया क्लैडिंग क्या है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया, म्यू टू, कोर का कितना लेंगे बेटा, म्यू वन। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आराम से सुनते जाना। इसके बाद बेटा ये जो लाइन नहीं दिख रही है, देखो ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन ऐसे पास करती जा रही है, इसे बोलते हैं बेटा एक्सिस ऑफ द फाइबर, ठीक है। ये क्या चीज है, एक्सिस है फाइबर का, हम भी बना लेते हैं। अरे ब्लैक कलर की क्यों बनाए, ब्लैक कलर दिखेगा थोड़े येलो बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपने को एक्सेस मिल गया। अब सुनते जाना, काम की बात पे पहुंच रहा हूं अब मैं ऑलमोस्ट। यहां से मैंने क्या किया बेटा, एक कोई लाइट को इंसिडेंट किया, समझ गए। देखो यहां पे भी दिख रहा है ना ये रेड कलर की, यही तो इंसिडेंट लाइट है। बोले हाँ सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ एंगल पे जाएगा बेटा थीटा, कौन सा एंगल, ये वाला थीटा। बोले ठीक है सर यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये लाइट एंटर करे, देखो यहां पे लाइट एंटर करती है, एंटर करने के बाद सबसे पहले तो ये लाइट क्या करती है, यहां तक कहीं तक जाती है। बोले ठीक है सर। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी बेटा नॉर्मल जैसा काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, नॉर्मल की तरह काम करेगा। अगर अब ये नॉर्मल की तरह काम करता है तो यहां पर बेटा क्या होता है, TIR होता है, मतलब यहां पर ये एंगल इस तरह से बनाया जाता है कि ये एंगल सी बन जाए।
सी बनते ही ये क्या करेगा, टी आई आर। फिर वापस अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो वापस से ये नॉर्मल होगी, करेक्ट। फिर से नॉर्मल के बाद थोड़ा ठीक से बना देते हैं, ये नॉर्मल होगी। नॉर्मल के बाद बेटा फिर से देखोगे तो फिर से ये क्या कर जाएगा, टी आई आर कर जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि इफेक्टिवली देखेंगे तो ये सी बना, फिर ये भी सी बन गया, फिर से टी आई आर, फिर से टी आई आर, फिर से टी आई आर, फिर से टी आई आर। देखो ध्यान से देखो, बार 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 क्या करते हो जा रहा है, टी आई आर करते हो जा रहा है। तो जब बार बार टी आई आर करते हुए ये क्या करने लगता है, लाइट को आगे प्रोपोगेट करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक बेसिकली एक मीडियम है, है ना, एक ऑप्टिकल अरेंजमेंट है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, लेकिन बाय अंडरगोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डू यू गेट द पॉइंट? बोले हाँ सर, लेकिन इतना क्यों स्ट्रेस देना इस बात पे? मैं समझाता हूं क्यों देना है। क्योंकि बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द वन, मैंने बताया शुरू में, जिसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जब यहां टी आई आर हुआ, जब यहां टी आई आर हुआ तो पूरी की पूरी लाइट वापस आ गई, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगेन देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर बेटा ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता, अगर 10% भी एक बार में लॉस होता है तो जब तक लाइट पहुंचेगी उसकी एफिशिएंसी वैसे भी क्या हो जाएगी, आधी। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो खत्म ही हो जाएगी, डाई आउट कर जाएगा सिग्नल। यहां पर टी आई आर में देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं है, और इसी कारण से बेटा लाइट जब आगे जाती है तो बिना एनर्जी लॉस के जाती है, जितनी एनर्जी से गई उतनी एनर्जी से पहुंच गई। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टी आई आर हो रहा है। बोले हाँ सर, अब हमें समझ आ गया। लेकिन अभी बेटा ये क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन के लिए क्या सफिशिएंट है वो समझो। क्वेश्चन के लिए आपसे बोला जाएगा कि ये एंगल बताओ कि कम से कम भाई ये कितना एंगल होना चाहिए, मैक्सिमम ये कितना एंगल होना चाहिए कि ये टी आई आर कर दे, कितने एंगल तक काम करेगा। तो बेटा ये जो एंगल निकल के आता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो ये जो साइन थीटा होता है बेटा, ये निकल करके आता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू होता है बेटा रूट के अंदर म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे बेटा, ये जो कोर है, है ना, कोर क्या है, म्यू वन, वो डेंस है, तभी तो टी आई आर होगा, डेंस टू रेयर। तो ये जो होता है कोर, ये स्लाइटली क्या होता है बेटा, डेंस, और ये स्लाइटली क्या होता है, रेयर, करेक्ट। तो डेंसर से रेयर जा रहे, तो रूट ओवर म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू नॉट स्क्वायर, और साथ में बेटा म्यू नॉट को और डिवाइड कर देते हैं, म्यू नॉट। आप बोलोगे सर म्यू नॉट क्या, अरे भाई ये ऑप्टिकल फाइबर किसी मीडियम में रखी है ना, जरूरी थोड़ी कि हमेशा हवा में रखी हो, कभी ग्राउंड में रखी है, कभी पानी में रखी है, तो उसका भी तो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा। बोले हाँ सर लेना पड़ेगा। तो म्यू नॉट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। तो यहां से बेटा देखो साइन थीटा कितना आया, रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, मतलब थीटा कितना आया, थीटा आया साइन इनवर्स रूट के अंदर म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बेटा, म्यू नॉट। क्या मेरी बात समझ आती है 100%? बेटा ये मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम जिसके ऊपर टी आई आर करवाया जा सकता है, इसके बाद टी आई आर नहीं होगा। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब इतने लाइट एंगल तक की लाइट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बोले सर ऐसा क्यों? देखो जिसको दिमाग से सुनना है सुन लेना, बाकी इस पार्ट को देख लेख कर सकते हो आप। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाते हो ना, तो थीटा बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये वाला एंगल जो है ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा तो एंगल कम होता जाएगा, तो बहुत कम कर दोगे तो फिर क्रिटिकल से कम हो जाएगा, तो फिर वो टी आई आर नहीं करेगा। इसलिए इस एंगल से ज्यादा बियॉन्ड अगर कर दोगे तो फिर टी आई आर नहीं होगा। बोले ठीक है सर, अब क्लियर हो गया कि क्या चीज पूछते हैं। ये आप बोलोगे सर ये क्यों बना दिया कौन जैसा, बेटा ये जो अपन ने क्रिटिकल एंगल बनाया था ना, ये सॉरी जो एक्सेप्टेंस एंगल बनाया, इस एंगल से पास होते हुए जो लाइट का कोण जाता है, करेक्ट, दिस इज बेसिकली नोन एज एक्सेप्टेंस कोन ऑफ लाइट। मतलब इस कोन की जो लाइट है ये उसे तो एक्सेप्ट करके टी आई आर करवा के आगे भेज देगा, इससे बड़ा कोन अगर आपने बता दिया तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है। आई होप बेटा दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। मैं हट जाता हूं, आप प्लीज इसको पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, अच्छे से इस फॉर्मूले को ना घोट के भी जाना बेटा। दिस फॉर्मूला इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। म्यू वन फिर बता रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, एंड म्यू नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। थीटा इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये ध्यान रखना थीटा किससे है, एक्सिस से है, करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस से मैक्सिमम कितना एंगल आप रख सकते हो कि टी आई आर करें, इसी को बोलते हैं बेटा एक्सेप्टेंस एंगल। बोले एकदम क्लियर हो गया सर, अब आप आराम से आगे बढ़ो, हम वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन लेते हैं जितना हमें लगता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है 100% क्लियर। बोले यस सर।
अब देखो बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये तो बिल्कुल ही हलवा है। अगली एप्लीकेशन है बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं है भाई, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर की जगह क्या आना चाहिए, लाइट बेंडिंग प्रिज्म। बोले क्या सर, लिखो जरा। मैंने कहा लो लिख देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। इसे हम कहते हैं लाइट बेंडिंग प्रिज्म्स, लाइट बेंडिंग प्रिज्म्स। बोले लाइट बेंडिंग क्यों कहते हैं, मैंने कहा दिख नहीं रहा तुमको, लाइट बेंड हो रही है इसलिए कहते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। बोले सर मतलब मैं समझाता हूँ। यहां से मानो अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, ये ए था, ये बी था, ये अपना ऑब्जेक्ट था। यहां से एक रे गई, जब ये एंगल पे बेटा 45 डिग्री था, ठीक है, तब मान लो टी आई आर हो गया, इसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल टी आई आर बना दिया, 45 बना दिया। बोले ठीक है सर, 45 पे जैसे ही टकराएगी बेटा, टी आई आर अगर हो रहा है तो वापस 45 पे आ जाएगी। 90 डिग्री पे तो देखो कुछ डेविएशन नहीं होता, सीधे सीधे गई टकरा के टी आई आर, फिर इधर नीचे वाली गई टकरा के टी आई आर इधर। तो ये जो बना बेटा ये बन गया ए डैश, ये जो बना ये बन गया बी डैश। तो इफेक्टिवली जो ए बी था वो ऐसे हो गया, यानी अगर ए बी ऑब्जेक्ट ऐसे रहा होगा तो बेटा जो इसकी इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो इफेक्टिवली आपने इस इमेज को जो ऑब्जेक्ट था ए बी ये ऐसे कर दिया ना, तो इफेक्टिवली आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये इमेज हैज बीन रोटेटेड बाय 90 डिग्री, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं लाइट बेंडिंग प्रिज्म, इसने इमेज को ही 90 डिग्री रोटेट कर दिया। बोले ठीक है सर, इसका और बेनिफिट क्या है, मैं समझाता हूं। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है तो उसे ये ऑब्जेक्ट दिख सकता है। सोचो आप कभी ऐसा होता है क्या, सामने जो होता है वो हमें दिखता है ना, कभी ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मैं सामने देख रहा हूं और मुझे साइड का दिख रहा है। अरे साइड में गर्दन घुमा लूंगा तो दिख जाएगा, बात हो रही आईज के सामने आपने रखी हुई है और इस तरफ का कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिख जाए। ट्राई करके देखो, अपनी बुक के सामने रखो, देखो साइड में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कुछ भी नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा, समझे बात को। लेकिन अगर एक लाइट बेंडिंग प्रिज्म लगा दिया, लाइट वहां से आएगी टकरा के मेरी आंख पे जाएगी, मुझे साइड का दिखेगा, जादू, समझ रहे हो बात को बेटा। बहुत बढ़िया चीज़ है ऑप्टिक्स, वैसे तुम उतने लेवल पे पढ़ते नहीं हो उसको, वरना बहुत इंटरेस्टिंग है डेली लाइफ में रियली। बोले ठीक है सर आगे बढ़ो आप, तो मैं क्या पढ़ता हूँ अगला वाला देखो। इसके अंदर ए बी था, वही सेम कहानी, ए बी ऑब्जेक्ट अपना ऐसा है, जाएगी रे रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट कौन सा रिफ्लेक्ट, टी आई आर, टी आई आर टकरा के वापस आ जाएगी। तो बेटा कुल मिला के अगर देखो कि तो जो ए बी है वो क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा, यानी अब की बार जो इमेज है वो पूरा उल्टा हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर कितना बेंडिंग हुआ था, बोले सर 90 डिग्री। यहां पे कितना बेंडिंग हुआ था, बोले सर 180 डिग्री। बोले यहां कितना बेंडिंग हुआ था, सर जीरो दिख रहा है हमें तो। मैंने कहा सही दिख रहा है बेटा, सही दिख रहा है। देखो ए बी था, लाइट गई टकराई फिर यहां पे गई, लाइट गई टकराई फिर यहां पे गई, मतलब जिधर पहले जा रहा था उधर अभी जा रहा है, तो इफेक्टिव बेंडिंग कितनी है, जीरो डिग्री। बोले फिर सर जरूरत क्या थी भाई, रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, मैं क्या समझाता हूं। ए बी जब यहां पर बना तो ये बना ए बी उल्टा। देखो ए वाली जो रे थी टकराई, इधर गई ऊपर चली गई, ए ऊपर चला गया, यानी ए बी उल्टा हो गया, मतलब आपने इमेज को उल्टा कर दिया। कभी मान लो अपने पास कोई एक बिल्डिंग है जिसे हमें उल्टा देखना है, क्यों देखना है हमें नहीं पता, हमें तो देखना है उल्टा देखना है, मन कर रहा है, तो हम ऐसा प्रिज्म लेंगे तो देखेंगे तो बिल्डिंग की इमेज तो आएगी सीधी, लेकिन अपनी आंखों में क्या बनेगी, उल्टी बन जाएगी, 180 डिग्री की इन्वर्ट हो जाएगी, बेंडिंग वाली जीरो डिग्री हो। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस तरह के बेटा लाइट बेंडिंग प्रिज्म्स होते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा तो यूजफुल नहीं आते बट फिर भी एक रफ आइडिया होना चाहिए। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर। तो बेटा अगला पार्ट जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, राइट। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, इसी से लेंस का फॉर्मेशन होता है, तो थोड़ा अच्छे से समझना, राइट। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, देखो बेटा इसको देखते हैं सर, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस को। तो देखो जहां तक रिफ्रैक्शन की अगर बात करते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल का क्या मतलब है अच्छे से समझना। मानो ये अपने पास बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है अपने पास कोई एक लेट्स से ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको एक काम करते हैं ब्लैक कलर देते हैं। हाँ देखो बेटा ये अपने पास ऑब्जेक्ट था, करेक्ट, ये जो सरफेस था बेटा ये एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस है। रिफ्रैक्टिंग क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक तरफ बेटा कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है जिसे हमने क्या बोला है N2, और बेटा एक तरफ हमारे पास कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दे रखा है। तो ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, प्लस इसके पास एक कर्वेचर है बेटा, ये एक स्फेयर का पार्ट है, करेक्ट, इसीलिए हमने बोला रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस। अब देखो अच्छे से समझना, यहां से बेटा जो रे है ना, ये रे जो जा रही है इसे क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे कहते हैं। बोले हाँ सर ठीक है, देखो बना भी देते हैं, यहां पे जो हमने रे बनाई बेटा ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक। और बेटा इसी के साथ साथ यहां पर अगर देखोगे तो ये क्या करके जाएगी बेटा, ये रिफ्रैक्ट करके जाएगी ना कहीं, राइट, जहां पर भी जाएगी बेटा वहां पर अपने को क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी, दिस इज आर इमेज। बोले ठीक है सर, इसके अलावा बेटा अगर ये डॉटेड रीजन को देखें तो ये इफेक्टिवली क्या चीज है बेटा, ये नॉर्मल है,
बोले ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के बेटा हो क्या रहा है कि एक रे जा रही है फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, यानी कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अब की बार प्लेन सरफेस की जगह। देखो अभी तक हमने जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ा वो प्लेन सरफेस से पढ़ा था, अब हम बात करें बेटा स्फेरिकल सरफेसेस। जैसे यहां पर अगर देखेंगे तो ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स है, अगर ये ऐसे बन रहा होता तो स्फेरिकल कॉन्केव होता, करेक्ट। तो ये साइड से देखोगे तो कॉन्केव, ये साइड से देखोगे तो कॉन्वेक्स। तो एक स्फेरिकल सरफेस हमारे पास है और इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इससे बेटा बहुत डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। तो अच्छे से समझना, ये थोड़ा सीरियस पार्ट है, प्रॉपर अटेंशन के साथ, और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझना। हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, ये जो था ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया, करेक्ट, कहां से, इसके सेंटर से लेकर के जहां पर भी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड था, ये अपने पास क्या हो गया यू। इसी तरह से बेटा इमेज जहां पर भी बनेगी, इमेज जहां पर भी बनेगी, ये डिस्टेंस अपने पास क्या हो गया, बोले सर वी हो गया, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। जहां तक बेटा अगर साइन की बात करते हैं तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को यहां पर भी क्या लेंगे, पॉजिटिव, ऑपोजिट को क्या लेंगे, नेगेटिव, ऊपर को क्या लेंगे, पॉजिटिव, नीचे को क्या लेंगे, नेगेटिव। बोले ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के बेटा अगर मुझे वी और यू को रिलेट करना है तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिकली होता है बेटा म्यू टू, म्यू टू की जगह हम क्या लिखते हैं एन टू, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा v माइनस n1 डिवाइडेड बाय कितना u। अभी मैंने vu का साइन नहीं डाला है, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा है n2 डिवाइडेड बाय v माइनस n1 डिवाइडेड बाय u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय बेटा कितना r। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी टर्म का क्या मतलब है, अभी तो बताया था v का मतलब क्या हुआ इमेज डिस्टेंस, u का मतलब क्या हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके अलावा n1 का क्या हुआ दूसरे मीडियम का, n2 का मतलब ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां जा रही है, n1 का मतलब जहां से रे जा रही है, और जहां तक r की बात करेंगे तो बेटा ये जो अपन ने स्फेरिकल सरफेस बनाया है इसका कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा, उस स्फेयर के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मेरे पास बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इमेज डिस्टेंस अपने को चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो कैसे रिलेट कर सकते हो n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r। और यहां पे हर चीज विद साइन रखनी है, ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, यहां पे हर चीज हमें क्या रखनी है बेटा, हर चीज हमें विद साइन सब्स्टिट्यूट करनी है, विद साइन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, साइन को नहीं छोड़ना है, अंडरस्टूड माई पॉइंट। और बेटा देखो इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जहां इमेज बनती है उसको n2 और जहां ऑब्जेक्ट होता है उसको n1 लेते हैं क्या, मैंने कहा नहीं नहीं, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जाती है उसको n2, जहां से इंसिडेंट रे आती है उसको n1 कहते हैं। बात समझ आई, अगर आपने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया हो बेटा या लेंस बेकर फॉर्मूला डिराइव किया हो तो वहां पे आपको इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझ आएगा। बट आप प्लीज ध्यान रखना इस पॉइंट को स्पेसिफिकली कि जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जाती है वो क्या होगा, जहां पे भी रिफ्रैक्टेड रे जाएगी उसको एन टू बोलोगे और जहां से इंसिडेंट रे आएगी उसको एन वन बोलोगे। बोले ठीक है सर फॉर्मूला समझ आ गया, मैंने कहा अभी बस फॉर्मूला ही समझा रहा हूं, अभी मैं एक और केस फॉर्मूले का ही समझाऊंगा कॉनकेव वाले का और फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा दोनों पे, ठीक है स्टार्ट करते बेटा। देखो अगला पार्ट यहां प्लीज कॉपी कर लेना अच्छे से, मैं आगे जा रहा हूं और मैं फिर बोल रहा हूं n2 मतलब जहां रिफ्रैक्टेड रे जाती है, n1 जहां से इंसिडेंट रे जाती है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब की बार हमने क्या किया बेटा, अब की बार हमने ये सरफेस लिया, समझे बात को, ये सरफेस यहां से देखने पे अब मुझे कॉनकेव दिख रहा है, मैंने कहा बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से कितना बोलता हूं n2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोलता हूं n1, ये अपने पास बेटा कोई रे थी यहां से आई मानो, ठीक है यहां से कोई रे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहीं रिफ्रैक्ट करके गई और यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, कुछ इमेजेस मिल जाएंगी, करेक्ट, एक इमेज तो बेटा डायरेक्ट बनेगी, एक यहां पे कहीं बनेगी, मतलब कोई इमेज मान लिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत। देखो ये रही अपनी इमेज, मान लेते हैं भाई जो भी रिफ्रैक्टेड रे जा जाकर मिलेगी उसको इमेज बोल दिया हमने, कहा कि ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे आर टू बोल दिया, हम आर ही बोलते हैं इसको भी आर, इसके अलावा बेटा जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसे अपन फिर से यू बोलेंगे, जो भी इमेज का डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे वी बोलेंगे, यानी कि यू और वी, अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो यू इन्फिनिटी डाल देंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ध्यान से, जिधर रिफ्रैक्टेड रे जाती है उसे टू बोलते थे ना हम लोग, उसे टू बोलते थे, यानी कि ये जो है इसे मुझे लिखना पड़ेगा वी के साथ। बात समझ आई, देखो बेटा आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं फिर क्लियर करता हूं, n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r, ये होता है।
यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, आपका ना काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ही होते रहोगे। अब की बार मैं जिधर जा रही है इसको टू बोलता हूँ और इसको वन बोलता हूँ, ठीक है? तो जिधर रिफ्रैक्टेड रे जाती है वो डिवाइडेड बाय वी, वी के साथ हमेशा कौन सा मीडियम, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जाती है, माइनस एन वन बाय यू, यू के साथ हमेशा कौन सा, जहाँ से इंसिडेंट रे आती है, ये वाला मीडियम हो गया, ठीक। और बेटा इक्वल टू अगर देखेंगे तो कितना आएगा, एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय आर। यहां पर भी बेटा अगर बात करेंगे तो वैल्यूज हमें क्या रखनी पड़ेगी, विद साइन रखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के है ना, आप किसी भी दो सरफेस में जाओ, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बाउंड्री स्फेरिकल है तो एन टू बाय वी माइनस एन वन बाय यू इज एन टू माइनस एन वन बाय आर। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं इसको ताकि आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, घोट के भी जाओ अभी के अभी आपको याद हो जाए, समझ गए? Because this formula is really important. फिर repeat कर रहा हूँ आखिरी बार। N2 by V minus N1 by U equal to N2 minus N1 by R, जहाँ पे V के साथ वो medium का refractive index आता है, जहाँ पे refracted ray जाती है, U के साथ उस medium का आता है, जहाँ से incident ray जाती है। बोले सर अब clear हो गया, अब एक दो example कराओ आप। मैंने कहा ये बात सही बोली है। देखो जरा, अब पहला एग्जांपल लेते हैं, आराम से समझना, आराम से, है ना? अच्छा एक एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, यही ऐड कर दूंगा जब एग्जांपल करेंगे तो, उसे भी याद रखना। अ स्मॉल फिश ऑफ साइज 2 मिलीमीटर दे रखी है, ठीक है? और बेटा इज एट द सेंटर ऑफ द वाटर बाउल, कोई दे रखा है, एक बाउल है उसमें वाटर है और एक ये फिश है, ठीक है बेटा? इसकी साइज अपने पास कितनी है, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर के 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर। और बोल रहा है कि फिल्ड विद अ बाउल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखा है हम लोग को, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, बोले सर 14 सेंटीमीटर हो गया, उनका सही जवाब। अब देखो आगे उनके बोला गया है फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, तो सबसे पहले एपरेंट डेप्थ निकालते हैं, बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे। तो बेटा जहां तक एपरेंट फिश की डेप्थ की बात करें, फिश की, ठीक है, एपरेंट डेप्थ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर देखोगे बेटा तो यहां से यहां तक आएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया बेटा अपने पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा सेंटर पे रखी हुई है ना। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या आया, 14 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये अपना हो गया पॉइंट। अब देखो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले रे बनाया करो, रे ऐसे जाएगी, बोले हाँ सर बिल्कुल जाएगी, मतलब इफेक्टिवली अगर देखोगे तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एयर, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 1, बेटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। और बेटा वाटर की अगर बात करते हैं तो म्यू वाटर होता है 4/3, ठीक है, 4/3। अब देखो जिधर जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक लाइन है बस, फॉर्मूला समझ आना चाहिए, जिधर रिफ्रैक्टेड रे गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वी, बोले ठीक है सर, माइनस माइनस माइनस। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो जिधर से जा रही है, रिफ्रैक्टेड नहीं, इंसिडेंट रे जिधर से जा रही है उसको लिखेंगे, बोले वो कितना है, 4/3 डिवाइडेड बाय क्या कर दे बेटा, यू, बोले ठीक है सर, इक्वल टू 1 - 4/3 डिवाइडेड बाय कितना, आर। अब देखो वैल्यूज रखते हैं विद साइन, तो हमने क्या किया, जिधर गई उधर का वी मतलब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वी, माइनस जिधर से रे आई उसका म्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का डिफरेंस बाय आर, बोले ठीक है सर, 1/V एज इट इज माइनस 4/3। अब देखो U का मतलब क्या है, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दूर है, 14 सेंटीमीटर, और बेटा इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा माइनस 14। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, समझते जा रहा, 1 - 4/3 बाय आर बताना है। आप जब इसको देखोगे बेटा तो सेंटर तो यहाँ कहीं आ रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बनाओगे तो इसी तरफ कहीं पे बनेगा, फिर से इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस 14 सेंटीमीटर। बोले ठीक है सर, बोले 14 के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से बेटा आई होप आपको वी का वैल्यू आ जाएगा, आई होप वी का वैल्यू आ जाएगा, राइट? और बेटा देखो ये इतना ही आसान है, तो इसके फॉर्मूले में ना बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, यानी कि जिधर जाती है रे रिफ्रैक्टेड रे उसका म्यू डिवाइडेड बाय वी कर दो, माइनस जिधर से जाती है उसका म्यू डिवाइडेड बाय यू कर दो, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर कर दो, और हर चीज़ का वैल्यू विद साइन रखना है।
बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर होगा, एक एग्जांपल और दे दो जो हम खुद करके देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगला एग्जांपल आपके पास ला रहा हूं, आप वीडियो पॉज करोगे, पहले आराम से खुद से करो, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर जब आंसर आ जाए, लगे कि हाँ यार अब मेरे को लग रहा है मेरा आंसर आ गया, तब सोल्यूशन देखो और चेक करो कि सही है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से। बोले ठीक है सर, और इसको भी अच्छे से समझ लेना, मैं क्वेश्चन जरूर आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन समझ लो, जब बोलूं कि अब करो तब वीडियो पॉज करके करो। बोले ठीक है सर। देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला गया, कैसी बीम ऑफ लाइट है बेटा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखो ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है अपने पास। बोले बिल्कुल है सर। इट इज इंसिडेंट ऑन एन एयर बबल, एयर बबल यानी ये जो बबल है बेटा इसके अंदर क्या है? एयर, यानी इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? बोले म्यू। और बाहर अगर देखोगे बेटा, बाहर क्या है? पैरेलल बीम इन एयर बबल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी कितना हो गया? 10। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लिख लेते हैं। भली रेडियस कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर। प्लेस इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है कितना? 4/3। मैं बताता हूं आपको, याद रखना। ठीक है, आपको बताना बेटा फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। देखो अच्छे समझो, यहां पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, एयर बबल रखा हुआ था पानी में, मतलब पानी है पूरा का पूरा, बीच में एक एयर बबल है, पैरेलल बीम आई और टकराई है। टकराने के बाद पहले इस स्फेरिकल सरफेस पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद वापस जब लाइट बाहर जाएगी तो दोबारा इस सरफेस पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। मतलब सर आपने तो ये डबल रिफ्रैक्शन का केस ले लिया। मैंने कहा बिल्कुल सही, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप निकाल दोगे। बस इत्मीनान से पहले इस सरफेस पे लिखना, जब इस सरफेस पे लिखो बेटा तो इस सरफेस के लिए देखो रे कहां से आ रही है? पैरेलल है इंफिनिटी से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, इमेज निकालना, फिर उस इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट मान लेना और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा देना, स्फेरिकल सरफेस वाला, आराम से आंसर आएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो, है ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखो, खुद के लेवल पे जितना कर सकते हो ट्राई करो, उसके बाद ये देखना कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, फिर मैच करना बेटा। जहां पे लगे कुछ सीखने को मिल जाए वहां पे गोला मार लेना। बोला ठीक है सर, इतना हम कर लेंगे, आप आगे कंटिन्यू कर लो, हम वीडियो पॉज करके कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, आराम से समझ जाओ। देखो बेटा इसमें ना ये रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल बना देता हूँ। तो नॉर्मल की अगर बात करूँगा तो बेटा नॉर्मल तो सेंटर से ही पास करती है, करेक्ट, नॉर्मल सेंटर से पास करती है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो रे है, है ना, देखो ये कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर। वाटर क्या है? डेंस। एयर बबल क्या है? रेयरर। तो नॉर्मल से दूर जाएगी बेटा, नॉर्मल से दूर मतलब इस तरह से, ये रे यहाँ कहीं जाएगी, समझे। अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, है ना, ध्यान से देखो, अगर पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर दोगे बेटा तो ये आपको यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ कहीं, ये भी आपको कहाँ मिलेगी बेटा? यहाँ कहीं मिलेगी, समझे मेरी बात को, कोई दिक्कत? तो बेटा ये जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगी? आई वन मिल जाएगी। आप बोलोगे सर इसका वैल्यू कितना आएगा? मैं निकालता हूँ आपके लिए, देखो कितना आसान है, इसका वैल्यू तो बहुत ही आसान है। जिधर जा रही है यानी कि वन डिवाइडेड बाई वी माइनस, देखो बेटा कहाँ से जा रही है? बोले वाटर से जा रही है, 4/3 डिवाइडेड बाई यू करना है बेटा, यू कितना काट देंगे? बोले सर इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि पैरेलल बीम थी। बोले सही है बेटा, एकदम सही है, सही बोल रहे हो एकदम, 1 - 4/3 डिवाइडेड बाय, और बेटा देखो आर सेंटर इस तरफ है, सेंटर ऑफ इस तरफ है, तो इसका मतलब इसका आर क्या होगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव। बोले बहुत बढ़िया, और आर का वैल्यू कितना है? 10, यानी कि ये हो गया +10। बोले ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म तो जीरो हो गई, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी कितना? जीरो होता है सर। यहाँ से देखो ये बचा बेटा 1/V - 1 - 4/3, ये हो जाएगा बेटा इक्वल टू, कर देता हूँ, -1/3 × 10, यानी यहाँ से बेटा निकल के आएगा V = -30। V = -30 का मतलब बेटा इंसिडेंट रे के उल्टे डायरेक्शन में, यानी ये जो आई है वो आनी भी चाहिए थी, वो हमें पता भी था कि भाई ये आएगी इस तरफ। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ से जो बेटा डिस्टेंस आया अपना, है ना, इमेज का जो डिस्टेंस आया ये कितना निकल के आ गया है? -30। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस आया पूरा बेटा ये -30 आ गया। बोले सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, हटा देता हूँ ये, ठीक है, ये -30 आ गया। अब अपने को ये जो I1 बनी है, ठीक है, ये जो I1 बनी है, है ना, कितने डिस्टेंस में बनी है? अपन एरो से बना देते हैं थोड़ा सा, ये जो -30 पे बनी है बेटा,
ठीक है, माइनस 30 पे अपने को इसको ऑब्जेक्ट मानना है, किसके लिए, दूसरे वाले सरफेस के लिए। बोले ठीक है बेटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे मानेंगे, आराम से समझना। रे डायग्राम देखते पहले, ठीक है ना। रे डायग्राम बड़ा दिमाग से सुनना बेटा, नहीं तो सब गोल हो जाएगा, बता रहा हूँ। शायद कुछ का वो भी क्या होगा, आराम से वीडियो दोबारा देखो, शायद क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। नो सबसे पहले फिर से नॉर्मल बनाता हूँ, इस वाले के लिए भी नॉर्मल ऐसे और इस वाले के लिए भी नॉर्मल ऐसे। बोले ठीक है सर। इसके बाद अपन बनाते बेटा फाइनल रे जो बनेगी, ठीक है। तो फाइनल जो रे बनेगी बेटा, आराम से देखना, अब की बार रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो बेटा नॉर्मल के पास जाएगी। देखो पास जा रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पास। इसको बेटा फिर से एक्सटेंड कर दोगे तो ये यहाँ कहीं पे मिलेगी। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ मिलेगी, मैं तो ऐसे ही रफ आइडिया बना दिया। करेक्ट, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। मैंने कहा भाई इसको जब एक काम करता हूँ, डॉटेड दिखाता हूँ आपके पास। ये देखो, इसको जब बेटा एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं मिलेगी ना, ऐसे ही बेटा जब इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे कहीं मिलेगी। जहां मिलेगी वो अपने को क्या मिलेगी, I2। हो सकता है अंदर हो सकता है बाहर हो, मुझे नहीं पता, मैंने अंदाजे से बना दिया। बोले सर फिर एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू निकालो ना। मैंने कहा हाँ, अब वही करने जा रहा हूँ। अभी बस बता रहा था कि I1 को ऑब्जेक्ट मानते हुए I2 की इमेज की अपने को डिस्टेंस निकालनी है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आराम से समझना, मैं बता रहा हूँ आराम से, ठीक है, बहुत आराम से। जिधर जा रही है मतलब फिर से आपकी बार कहाँ गई है बेटा, वाटर में, तो 4/3। बोले हाँ, 4/3 / V, V अपने को निकालना था, माइनस जिधर से आई 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब दिमाग से सुनना, 30 सेंटीमीटर तो यहां से लेकर के है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 30 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये डायमीटर भी कितना है, देखो रेडियस कितना है 10, तो डायमीटर कितना 20, तो बेटा वो 20 भी तो ऐड होगा यहां से लेके यहां तक का। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस बेटा जो यहां से आएगा वो 50 आएगा, और रे के ऑपोजिट, इंसिडेंट रे के उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए बेटा यहां पर लिख देंगे माइनस 50। अब बेटा आप क्या लिखोगे, 4/3 - 1। बोले सही है सर, डिवाइडेड बाय आर। अब की बार आर भी इस तरफ आया, यानी ये भी कितना -10। अब जो वी डैश बोलते हैं इसको, अब ये जो वी डैश निकलेगा बेटा, दिस विल बी द फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा ये, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफी हेल्पफुल है। अपने को ये देखना है कि इसके अंदर दो बार रिफ्रैक्शन करा दिया, तब भी बहुत ईजिली कर सकते हो। पहले रिफ्रैक्शन पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी माना, जिधर गया था उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय वी, माइनस जिधर से गया डिवाइडेड बाय यू। उसी तरह से बेटा जब दूसरी बार किया तो अब की बार वाटर में चला गया वापस, तो वाटर का डिवाइडेड बाय वी डैश माइनस, और क्या करना था अपने को, जहां से गया यानी कि एयर डिवाइडेड बाय यू, फिर वापस वही V2 - V1/R। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, जो कैच है या जो गलती होती है, वो ये कि जब आप इस सरफेस से निकालते हो पहले सरफेस से बेटा, तो पहले सरफेस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकला है वो इस पॉइंट से निकला है, इस फॉर्मूले से जो आपने निकाला है, और आपको लिखना पड़ेगा दूसरे वाले रिफ्रैक्शन के लिए यहां से, तो ये जो डायमीटर होता है ना बेटा, इसको जरूर से ऐड करना। समझ गए बात को, कोई डाउट यहां तक? बोले नहीं सर, यहां तक क्लैरिटी आ गई। मैं आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देता हूं, आराम से इसको कॉपी कर लो एक बार, समझ लो, है ना। मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, आराम से आप समझ लो। कहीं कोई डाउट आए तो बताओ, कमेंट बॉक्स वगैरह में डालो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब कुछ एक के आंसर अभी मुझे देने हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल गिव इट फॉर श्योर बाय टुनाइट, राइट। तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लो, वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा ब्रीद इन कर लो, करेक्ट। और बेटा फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, राइट। अगला टॉपिक बेटा हम वैसे तो नेक्स्ट पार्ट में ही लेंगे, मैं आपको आइडिया देता हूं कि क्या पढ़ाएंगे। हम बात करेंगे बेटा लेंसेस की, करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस एंटायर सीरीज, लेंस, करेक्ट। तो आपको बेटा अगला जो लेक्चर है वो काफी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, राइट। आई होप आप ये वीडियो देखोगे तो ही वो समझ भी आएगा, राइट। आई होप यू विल बी कनेक्टेड, आई होप माई वीडियोज आर लिटिल हेल्पफुल फॉर यू। कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो रही है, मदद हो रही है, करेक्ट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये कंटेंट थोड़ा सा यूजफुल है, नोट्स प्रॉपर बन जा रहे हैं, आराम आराम से सब कवर हो रहा है, और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिल रहा है, राइट। जब तक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे बेटा आइडिया ही नहीं लगेगा। तो ये पढ़ने के बाद साथ के साथ इन टॉपिक्स के क्वेश्चन क्या करो, और फिर देखो सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। आई एम श्योर कि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, राइट। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 6। टिल देन बेटा स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, स्टे हैप्पी, और बेटा पढ़ते रहना बहुत जान लगा के, बिना आसपास क्या चल रहा है वो सोचे, वहां दिमाग लगाओगे परेशान हो जाओगे, बिल्कुल सोचना ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हालात तो खराब है वो हमें भी पता है।
लेकिन पढ़ाई तो रुक नहीं सकती, वो तो चलनी पड़ेगी, करेक्ट। सो ना मैं रुकूंगा ना आप रुकोगे, राइट। सो बाय, थैंक यू।